सब हम ले जाएंगे, आपको अकेला छोड़ जाएंगे। एक्चुअली अभी हमने वीडियो पूरा बना डाला, वीडियो और नहीं था तो देखो देखो मतलब प्रिया दी बेटी है और आराध्या का सुपर मनाओ बोल रही हूँ, देख रही हूँ वीडियो और नहीं है, अभी इतना बोल के वीडियो और नहीं था हमारा, तो वीडियो ही नहीं ऑन था इनका। अभी हम जा रहे हैं घर, उसके बाद में हमें नाइट में ही निकलना है, मतलब पूरी नाइट हमें ट्रैवल करना है और हम सब साथ ही जा रहे हैं पूरी पलटन। ये देखो नेहा भी हमारे साथ में, ये ड्राइव कर रहे हैं, मतलब गलत बोले वही तो मैं गलत बोल गई, ये बैठे हुए हैं भैया गाड़ी चला रहे हैं, बच्चा पार्टी बाबू का बर्थडे हो गया, मैं आया बाबू को, हम आ चलो भैया बाहर कर रही है, हाय गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी रात के आई थिंक 12 बज रहे हैं और जस्ट अभी हम प्रिया दी के घर पर आए हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा व्लॉग में, और जो लास्ट व्लॉग था उसका मैंने एंड कर दिया है, बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, बट हमें आज ही ग्वालियर निकलना है, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर बातें कर, मतलब सबके सब डाउन टू अर्थ थे, और प्रिया दी अंदर कहीं यार एक्चुअली वो लेके आई थी मेरे को कि नहीं शिवी ऐसे नहीं जाओगे, पहले घर चलना फिर उसके बाद में निकलना, और हाँ मेरा एक बैग भी रखा था वो भी हमें लेना था, यहाँ पे जानवी घूम रही है और भाभी वगैरह सब लोग आ गए हैं, तो कुछ लोग हमारी गाड़ी से आ गए, मतलब जीजू पीछे गाड़ी से आ रहे हैं, गिफ्ट वगैरह भी थे प्रत्युष के, बाबू गिफ्ट बहुत सारे आ गए आपके बेटा, हाँ मासी का गिफ्ट आपको, हाँ मासी का गिफ्ट बाबू को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, फर्स्ट गिफ्ट मैंने दिया था प्रत्युष, फर्स्ट गिफ्ट किसने दिया था, मैंने दिया था ना आपको, कैसा लगा आपको, अच्छा लगा एक्चुअली बच्चों की पसंद का था, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो लास्ट ब्लॉग आप जाकर देख सकते हैं जिसमें मैं ट्रैवल कर रही थी यहाँ पर आने के लिए, तो ये देखो घर है प्रिया दी का और यहाँ पे बाबू और जानवी खेल रहे हैं, ये देखो मस्ती चल रही है, बाकी सब अपने रूम में है और ये और जीजू वगैरह नीचे है, यार मैंने गाउन डाला हो तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, देखो मेरे गाउन की एक्चुअली हालत ही एकदम खराब हो गई है, पता है यहाँ से ना फट गया है ये, ठीक है अभी दिख नहीं रहा आपको, साड़ी के अंदर से ऐसे इसका ऐसे आ गया था, तो है तो वो नेट ही ना इससे खराब हो गया, बट बहुत अच्छा लगा सब कुछ, तो मैंने सोचा कि चलो दूसरा ब्लॉग मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपनी जर्नी का, कि प्रिया दी के यहाँ से मैं निकल रही हूँ, और ये मेमोरीज होती है जो सेव रखती हूँ मैं, अच्छा लगता है मुझे मेमोरीज कलेक्ट करना, बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे थे तो प्लीज गाइज आप लोग उनको भी सपोर्ट करिए, सब लोग मेहनत करते हैं अपने चैनल पर, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा सभी लोगों से मिलकर, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स आए थे, प्रिया दी के सब्सक्राइबर्स आए थे, माशाल्लाह मजा आ गया, तो चलो मैं आपको थोड़ी बाद मिलती हूँ, मैं जाती दी के पास बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में हम निकलते हैं, वैसे इनका आने का मैं वेट कर रही हूँ, डोर क्लोज है अभी, ये आते हैं उसके बाद में, और घर एक्चुअली डोर मैन पूरा फैल गया है क्योंकि इतने सारे गेस्ट रखे हुए हैं घर पे, मतलब है घर पर, क्या बोल रही हूँ, दो तीन बार ऐसा हो चुका है, चलो ज्यादा बड़बड़ नहीं करूंगी, बाद में मिलती हूँ, बाय। कपड़े चेंज कर लिए ये देखो, और पूरा सामान फैला हुआ है, दिक्कत सर में ना बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था, तो ये बैठी हुई है देखो, क्या हो गया प्रिया दी एक्चुअली हम लोग वहां से होकर आए ना, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, मैंने कहा मैं चल रही हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको दबा रही थी, थोड़ा नहीं यार सच में सीवी, मतलब मैं क्या बोलूँ, थैंक यू सो मच, पता है कल मैं नेल एक्सटेंशन करा रही थी यहाँ पर बैठ के कर रहे थे, मेरे हाथ में पेन हो रहा था और सीवी ना ऐसे ऐसे यार, इतना तो सच में थोड़ा सा ही दबाया था जबकि नहीं थोड़ा सा ही, लेकिन इतना रिलैक्स, इतना तो खुद की सिस्टर भी नहीं करती है, रियलिटी यही है, थैंक यू सो मच सीवी, आप सच में मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, सच मुझे पता है, सच बताओ मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है किसी के लिए कुछ कर पाऊँ या कुछ भी हो ना, अच्छा फीलिंग होती है यार, अभी ये बोल रही है जा रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है यार कि मतलब हाँ एक ही दिन में ना इतना अच्छी, इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, हम लोग ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड भी नहीं किए हैं, लेकिन अभी अजीब सी ना घबराहट सी हो रही है, चली जाएगी चली जाएगी, तो हम लोग जल्दी मिलेंगे,
हाँ मैंने अब बोला दी बोला शिविर जब आना तो 4-5 दिन के लिए आना। मैंने कहा अब मैं नहीं आऊंगी, अब आप आओगे। हम लोग कहीं का प्लान बना रहे हैं, हम लोग मिलेंगे और दोनों तो साथ में, हमारे साथ में रुचि भी दिखी है और सबसे वो भी बोल रही थी। हाँ सबसे सही बात पता है आपको, इनके हस्बैंड समर इतने ज्यादा सपोर्टिव है, इतने ज्यादा सपोर्टिव है कि मैं क्या बोलूँ। सच में उनको भी दिल से शुक्रिया है, वीडियो अगर देखेंगे दिखा देना कि दीने उनको। हाँ सच में थैंक यू सो मच समर कि आप हमारे लिए अपना टाइम निकाले। आई नो आपका टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, मीटिंग है और रात में भी कर रहे हैं। हमें पता है नो कि सेफ नहीं इतनी रात में जाना, बट काम है और 2 दिन एक्स्ट्रा हमारा हो गया है तो उसे जाना जरूरी है। थैंक यू आप हमारे पास आए। बाय, चलो अभी चलती हूँ मैं, फिर बाद में मिलती हूँ। बाय बाय, मैं जा रही हूँ आराध्या भाभी को भी बाय। स्टूडियो रूम में पता नहीं क्या चेंज वगैरह कर रही थी। बाय, बहुत अच्छा लगा मुझे सबसे मिलके। ठीक है फिर आप भी आना प्रिया दी के साथ में ग्वालियर। सभी लोग इनवाइटेड हैं, सब लोग इनवाइटेड हो आप लोग देखो। ठीक है उनका पासवर्ड। इनका वो कोई आया होगा सप्लीमेंट। अच्छा ओ जीवा, तो उधर आ गया था, मैं उधर थी ना। सभी बलून ले जाओ आप कर। बलून नहीं यार, अब वो खुलेगा नहीं। नहीं नहीं अपना वाला, येलो वाला, येलो वाला तो मैंने आपको दिया था ना रखने के लिए। कहां और वो जो और जो छोटे छोटे बैग थे सब वो हो गए। और वो स्लीपर और छोटे नहीं, और कुछ नहीं है। दो बाबू के, दो मेरे पति, दो मेरे, दो बाबू के। ठीक है थैंक यू। अब मैं भाई उसके लिए थैंक यू। अरे कैसे आना था यार, ना था ये मालूम ना होगा। ठीक है भैया, ठीक है दीदी आपका फोन। बाय, अब कल तो गाड़ी के शीशे बंद हो, कल लोग जाओ। हम लोग हैं इटावा एक्सप्रेसवे, पता नहीं कहाँ है यार। तो हम लोग जा रहे हैं, अब रास्ते में हैं और रात में अब सोना तो है नहीं हम लोगों को, बट ये कि ट्रक वाले बस ना परेशान करें और हम आराम से निकल जाए। लाइट नहीं आ रही यार बिल्कुल भी, तो मैंने कहा कि अभी फ्री हैं, चलो व्लॉग बनाते हैं। नींद तो आनी है नहीं, अगर आएगी तब देखेंगे, बट फिलहाल तो नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है हम रात भर सोने वाले भी नहीं है। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं कन्नौज और मेरा बहुत ज्यादा ड्रीम प्लेस है एक्चुअली ये। मेरा ना बहुत ज्यादा ड्रीम प्लेस है कन्नौज। जब हम छोटे थे ना तब हम सीरियल देखते थे, राजकुमारी, संयोगिता, नंदिनी और सूर्या वाला। आप लोगों ने भी देखा है क्या? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो चलो यहाँ पे चलो 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 ड्राइवर ड्राइविंग चेंज हो रही है। ये बोल रही ये चलाओ, बोल रहे आप चलाओ। भैया को इन्होंने बोला बोल ले खेत चला रहे, तो इन्होंने बोला आप चलाओ। तभी हम लोगों ने बीच हाईवे में गाड़ी रोकी हुई है। 5:25 और जस्ट अभी अभी हम लोग पहुंचे हैं घर के नीचे, तो चलो अभी हम चलते हैं ऊपर। इनके लिए कॉफी और अपने लिए ब्लैक कॉफी। तो गाइज गुड मॉर्निंग, अभी सुबह का टाइम हो रहा है। हम लोग बहुत ही ज्यादा लेट सोकर उठे थे क्योंकि हम सुबह 5:30 बजे पहुंचे थे जैसे कि आपको बताया था। उसके बाद में अभी थोड़े पहले सोकर उठे हैं, बस ऐसे ही लेटे ही थे। और मैंने बनाई हुई कॉफी क्योंकि गला खराब हो रहा है, पानी इतनी जगह का चेंज हुआ है ना, इस वजह से तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। गला खराब हुआ है, मेरी आंखों में लाइनर लगा हुआ है, मैंने अपने फेस को वॉश तक नहीं करा है। मैंने कहा कि पहले कॉफी पी लेती हूँ, इनके लिए कॉफी बनाई, मैंने अपने लिए बनाई, पीते कॉफी और फिर थोड़ा सा गला ठीक हो जाएगा। ब्लैक कॉफी क्योंकि फायदा करती है, कफ जम रहा था मेरे। उसके बाद में देखते हैं क्या करना है, शावर लूंगी मैं और फिर से रेडी हो जाऊंगी। आगे जो भी होते हैं मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और कल रात बहुत ज्यादा लेट हो गया था यार, मतलब पूरा नाइट हमने ट्रैवल करा। आई थिंक हमने 12:30 बजे हम लोग निकले थे ना, कितने टाइम पे निकले थे? 12:30 बज रहा था तब हम निकले थे। सुबह 5:30 बजे हम ग्वालियर आए। तो एक्चुअली ग्वालियर मेरा ससुराल है, जो भी न्यू लोग जुड़ रहे हैं उनको मैं बता रही हूँ। पांडा मेरा मायका है और मैंने एक्चुअली अपना ये वीडियो पब्लिश पहले कर दिया है, मतलब बर्थडे का वीडियो मैंने पहले पब्लिश कर दिया। ये सारे वीडियोस मैं बाद में करूंगी। तो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? वैसे तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बता ही रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज इतना सपोर्ट और प्यार करने के लिए।
और मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इतने सारे लोग मिले थे, प्यारे प्यारे सभी सब्सक्राइबर्स हमें मिले, जो कि हमें कमेंट्स करते थे वो हमें रियल लाइफ में मिले। सो या पहले ना जब मैं ब्लैक कॉफी पीती थी मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, पर जब मैं पीने लगी हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है, क्योंकि वैसे मैं चाय कॉफी वगैरह कुछ भी नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे मिल्क पसंद नहीं है। इसलिए अरे प्रीति से बात हुई थी, उनका कॉल आया था, हमारी बात हुई, पूछ रहे थे कब तक पहुंचे, उन्होंने पूरी रात हमने ट्रैवल करा। और एक्चुअली मैंने ना इनका जैकेट डाला हुआ है ब्लैक जैकेट और ये वाला जैकेट हम दोनों ही गाड़ी में रखे हुए थे, हमने लगा सर्दी लगेगी कभी भी, तो ये गाड़ी में ही पड़ी थी, किसी बैग में नहीं थी, तो मैंने इसको पहन लिया सुबह सुबह से फिर उठ के, वो सुबह सुबह से फिर बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है और इसी वजह से फिर आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, नेक्स्ट व्लॉग में मेरे ससुराल का व्लॉग होगा तो आप लोग इंतजार करिएगा, तो बहुत अच्छा ब्लॉग आप सब में शेयर करूंगा। एंड प्रीति लव यू, यू आर सो स्वीट, आई लव यू सो मच।